की हालचाल। सो दोस्तों, मैंने जो कल रात को वीडियो बनाई थी अली एक्सप्रेस के ऊपर, दैट इज ब्लोइंग अप राइट नाउ। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आई एम लूजिंग $200 अ डे ऑन शॉपिफाई राइट नाउ लाइव। तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ कि जो टिपिकल नहीं है। हर लोग ये दिखाते हैं कि $1,000 कैसे बनाए, $500 कैसे बनाए, $100 कैसे बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ हाउ आई एम लूजिंग मनी एंड वाई आई एम स्माइलिंग, क्योंकि इसके पीछे मैं पूरा आपको इसके पीछे का राज बताने वाला हूँ, सीक्रेट बताने वाला हूँ, हाउ यू कैन एक्चुअली लूज मनी एंड स्टिल मेक मनी। तो थोड़ा सा कन्फ्रंटिंग है, थोड़ा सा अजीब सा है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज स्टोर ने कितने बनाए हैं, बिकॉज ये हम पूरी सीरीज जो बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ आई एम यू नो रनिंग अ स्टोर राइट नाउ और उसके अप एंड डाउन्स क्या हैं। और ये चलती रहेगी सीरीज, डेली हम वीडियो बनाएंगे, एक दो वीडियोस बनाते रहेंगे, तीन भी बना लेंगे, दो भी बना लेंगे, जैसा भी होगा एक तो बनाएंगे बनाएंगे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ लाइव कैसे इस समय वो स्टोर यू नो लूज कर रहा है पैसे। सो लेट्स गो। सो ये रहा आपके सामने $634 आज के दिन में। अभी शायद एक घंटा बचा है डे एंड होने में और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम इंडिया, बट ये US टाइमिंग पे चल रहा है स्टोर। तो अगर आज ही इस स्टोर ने $800 क्रॉस नहीं किए तो ये स्टोर $200 to $300 लूज कर सकता है। तो अगर इसने क्रॉस कर लिए तो मैं इसकी अपडेट वीडियो भी बना दूंगा आज के आज और अपलोड कर दूंगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि बैकएंड में क्या स्टेटस है, फेसबुक एड्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ ठीक करने वाली है, क्या करना चाहिए जब आप पैसे लूज कर रहे हो अपने फेसबुक एड्स के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। तो गाइज, अब हम दोबारा बात करते हैं कि आज का क्या स्टेटस है। मैं आपको बैकएंड दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जितनी सेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं फ्रंट एंड पे उतनी बैकएंड पे नहीं हो रही, तो कहीं झोल तो नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता, हमेशा जो सेल्स होती हैं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स, 20-30% जो डेटा होता है वो ऑफ होता है जो हमारे बैकएंड पे डेटा होता है, मतलब जो हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर जो डेटा होगा वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा। और ये मान के चलना आपको अगर अपने पास 10 सेल्स दिखे आपके स्टोर पे लेकिन आपके फेसबुक एंड पे आपको 7 सेल दिख रही हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि अभी तक आप देख पा रहे हो कि क्या स्टेटस चल रहा है। और हाँ, मैं जानबूझ के मैं ये वीडियो इस वजह से भी बना रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कि नहीं, हर दिन प्रॉफिट नहीं बनता। कई लोगों का मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आज तो मैंने लाइक $100 प्रॉफिट बना लिए लेकिन अगले दिन मैं -$50 पहुँच गया, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मेरी एड्स परफॉर्म नहीं कर रही। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों के ऊपर या इतना ज़्यादा डर होता है, लोग सोचते हैं क्या करें। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक आपकी शॉप है और यह आपकी शॉप मार्केट में, मेन मार्केट में। अब इस मेन मार्केट के अंदर संडे और मंडे बहुत रश होता है, बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बिल्कुल भी रश नहीं होता और सैटरडे तो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो आपका संडे मंडे बहुत अच्छी सेल्स आएंगी, ट्यूसडे मान लो आपकी थोड़ी बहुत ही सेल्स आएंगी, सैटरडे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होगा शॉप आपकी खुद की शॉप का, जो आपका खर्चा होगा आपकी शॉप का, वो शायद इतना होगा कि आपकी सेल ज़ीरो आ रही है तब भी, मतलब आप उस दिन भी बेसिकली यू नो अपनी दुकान ओपन कर रहे हो बट यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी। लेट सपोज आपने $100 लूज करे तो क्या आप अपनी शॉप को बंद कर देते हो? सो दिस इज़ अ यू नो दिस इज़ अ परसेप्शन जो मैं बताना चाहता हूँ बार बार, मैं 3-5 साल से एक्चुअली ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। टेक दिस बिजनेस एज अ रियल बिजनेस, जो एक फिजिकल बिजनेस होता है वही ये बिजनेस है, बस वर्चुअल है, ऑनलाइन है। आपको वो सेम सारे काम ऑलमोस्ट वही करने हैं जो आप एक वर्चुअल एक रियल बिजनेस में करते हो। तो अगर किसी दिन डाउन हो तो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप इट गोइंग ऑन। अगर आप एक हफ्ते में लाइक 7 डेज के अंदर 5 दिन कमाते हो पॉजिटिव में और 2 दिन लेट सपोज ब्रेक इवन या नेगेटिव या यू नो डाउन जाते हो या बराबर भी बनाते हो, तो 5 दिन तो आप गए, तो ऑन एन एवरेज आपने 3 दिन तो आप ज़्यादा ही ऊपर, लाइक आप मे बी शायद आप यू नो उसके बाद भी 500,000 या कुछ भी डॉलर्स का प्रॉफिट बना रहे होगे, मे बी शायद उससे भी ज़्यादा बना रहे होगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये परसेप्शन क्लियर करना है। लोग सोचते हैं कि यू नो शॉपिफाई में हर दिन बंदा पैसा बनाता है, ऐसा नहीं होता, इट्स अ बिजनेस।
एंड बिजनेस गोज फ्रॉम अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, तो हमेशा चलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी एड्स के ऊपर। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मेरी ये जो पहली एड है आज, इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, मतलब एक्चुअली किसी भी एड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। $100 के बाद दो सेल आ रही हैं, फिर $100 के बाद दो सेल आ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये रीटारगेटिंग ऐड है, ये ABO ऐड चल रही है। ये तब भी ठीक है बिकॉज इसका कॉस्ट पर परचेज $18 का है। ये ऐड भी आज महंगी है, तीन सेल आई हुई हैं इसके अंदर, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, और यहाँ पे ज़ीरो सेल है आपकी, तो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। एक दिन अगर डाउन भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास और भी डे हैं, वेडनेसडे है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप अपनी एड्स रन कर रहे हो कुछ टाइम से, कुछ टाइम का मतलब है 15 से 20 दिन, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका मंडे अच्छा होता है, वेडनेसडे अच्छा होता है, ट्यूसडे अच्छा होता है, कौन सा डे अच्छा होता है। तो उस दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा मंडे अच्छा जाएगा, और अगर आपका जिस दिन डे अच्छा जा रहा होता है उस दिन आप स्केल करना शुरू कर दो। तो मैं आपको ये वीडियो आपके साथ चलती रहेगी, बट बिकॉज मैं पूरी सीरीज़ आपके साथ बना रहा हूँ कि कैसे मैं स्टोर को स्केल कर रहा हूँ, तो आप देखना कि जिस दिन ये अच्छा चलेगा उस दिन मैं इस पर्टिकुलर बजट को तो पक्का इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो यू विल सी दैट, मैं इनको नहीं टच करता, मैं सिर्फ इसको टच करता हूँ, मैं इसके थ्रू स्केलिंग करता हूँ, बिकॉज मैं इसको कई बार यू नो $350 से $500 के बीच में ले जा चुका हूँ और वापस आ जाता हूँ जिस दिन अच्छा नहीं चल रहा होता। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस दिन अच्छा ना चले उस समय डी स्केल करो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। यही तो बिजनेस है कि आप ऊपर लेके जाओ फिर कभी नीचे लेके आओ, लुकिंग एट कि क्या इस समय सरकमस्टांसेस चल रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने कुछ रूल भी लगा रखा है, मैं आपको वो रूल बता दूंगा इन फ्यूचर वीडियोस, अगर लगेगा उसकी ज़रूरत लगेगी तो कमेंट करके बताना अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। एंड दिस इज़ कीपिंग इट सुपर डुपर रियल विद एवरीवन कि क्या चल रहा है और कैसे चलता है बिजनेस। मैं कोई भी राउंड फिगर्स, मैं कुछ भी हवा में कोई फिगर नहीं दिखा रहा, मैं हवा में आपको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हाउ आई एम मेकिंग $1000 अ डे ऑन Shopify लाइक अ गुरु। आई एम गोना यू नो मेक दिस वीडियो टाइटल जैसे कि हाउ आई एम लूजिंग $200 अ डे ऑन Shopify। हम थोड़ा ट्रेंड के डिफरेंट में जाके देखते हैं क्या होता है उसके बाद। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यू नो व्हाट टू डू, जो हमारे नॉर्मल से रीति रिवाज हैं उसे पूरा कर देते हैं। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और उस घंटे को ज़रूर दबाना बिकॉज मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, और आज मैं शायद दो वीडियो और डालूँ तो आपको पता चलना चाहिए बिकॉज उसमें कुछ बोनस हो सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप जैसे ही अप्लाई करो यू विल स्टार्ट गेटिंग सम रियली गुड रिजल्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।